नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ बबीता रेखवाल। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कांड के बाद अब अवध ओझा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले जाने माने टीचर अवध ओझा ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बेसमेंट हादसे पर काफी कुछ कहा है कि वो घटनास्थल पर नहीं जाना चाहते थे और ना ही उन्होंने इमेज बचाने की कोशिश भी नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि लापरवाह दोषियों को उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। वहीं मीडिया चैनल ने उनसे सवाल किया कि हादसे के 4 दिन बाद आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। इसके जवाब में अवध ओझा ने कहा कि 27 जुलाई को जयपुर के एक सेमिनार में वो हिस्सा लेने गए थे। यहां इतना बड़ा हादसा हो गया है और अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वहां जाना चाहता था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात किससे करनी है। अब मुझे यहां आने पर सारी चीजें सही ढंग से मालूम हो पाई हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सूरत और मुखर्जी नगर में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तब सरकार सोई हुई थी। आज सरकार सभी बेसमेंट को सील कर रही है। अगर 1 साल पहले इस पर ध्यान दिया जाता तो आज ये हादसा होता ही नहीं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेसमेंट को बंद किया जाए, वहां पर कोई क्लास नहीं चले, कोचिंग सेंटर्स में सीमित सीटें होनी चाहिए, अधिकतम 100 बच्चों को ही पढ़ाया जाए। तीसरी बात ये कि अगर इस तरह की घटना किसी भी कोचिंग सेंटर में होती है तो आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। वही अवध ओझा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ वहां के एक छात्रा ने MCD को चिट्ठी लिखकर बेसमेंट में हादसा होने को लेकर सूचना भी दी थी, लेकिन बाकी के छात्रों को भी उसके साथ मिलकर शिकायत करनी चाहिए थी।